स्टॉपलेस के शो अनुपमा में जनता को काफी बेताब किया हुआ है। शो में आगे क्या क्या होने वाला है इस बात को जानने के लिए फैंस पलके बिछाए अपकमिंग एपिसोड का इंतजार करते रहते हैं। वहीं अब आने वाले ट्रैक में मेकर्स दो ऐसे बड़े ट्विस्ट ला सकते हैं जिसे देख जनता के होश उड़ने तय ही समझिए। अब क्या है ये दो बड़े ट्विस्ट जो ट्रैक को देंगे बड़ा यू टर्न, ये भी हम आपको बताते हैं। अनुज की खातिर यशदीप से तीसरी शादी करेगी अनुपमा। शो में हाल ही में एक नया किरदार यशदीप की एंट्री हुई है जिसका किरदार निभा रहे हैं एक्टर वकार शेख। कहा जा रहा है कि अनुपमा जल्द ही अपनी तीसरी शादी का फैसला कर सकती है ताकि वो अनुज से दूर रह सके और अनुज भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। दरअसल जल्द ही अनुपमा और यशदीप तुरंत दोस्त बन जाएंगे। बाद में वो अनुपमा और उसके परिवार की कहानी का पता लगाएगा, इससे उनका रिश्ता और गहरा होगा। अनुपमा को बीजी से भी खूब प्यार मिलेगा, ये सब उसके दिल को सुकून देगा और उसे आगे पढ़ने में मदद करेगा। वहीं अनुपमा ने ठान लिया है कि वो अपने अतीत का असर अब खुद पर नहीं पड़ने देगी। ऐसे में क्या वो यशदीप से शादी करने का मन बनाएगी? कहा जा रहा है कि आने वाले ट्रैक में अनुपमा की तीसरी शादी का ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। अनुपमा ये फैसला अनुज की खातिर लेगी ताकि वो श्रुति के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। जाहिर तौर पर यशदीप का अनुज अनुपमा के बीच आना और शो में अनुपमा की तीसरी शादी का इशारा मिलना फैंस को निराश जरूर करेगा। श्रुति बनेगी विलन। कहा जा रहा है कि शो में आगे अनुज और अनुपमा के अतीत को जानने के बाद श्रुति का अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा। खबरें हैं कि श्रुति अब अनुज से दूर करती नजर आएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ से अनुज चला जाए। वहीं आध्या भी यही चाहती है कि अनुज और श्रुति शादी कर ले और एक माँ के रूप में श्रुति उसे मिल जाए और अनुज अनुपमा को हमेशा के लिए भूल जाए। श्रुति अपने किरदार के लिए पहले ही लोगों के निशाने पर है लेकिन आगे जाकर ऐसा लगता है कि वो जनता की नजरों में और ज्यादा खटकने लगेगी। साफ है मेकर्स ने ट्रैक में और भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स प्लान किए हैं जो आने वाले दिनों में शो की टीआरपी को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकते हैं।